हाय गाइस, दिस इज टीके बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरा न्यू जॉबी का गोरिल्ला पॉड, जो आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा। तो देखो किस तरह से इसकी पैकेजिंग आती है फ्लिपकार्ट से, कितने अच्छे से ये मिलता है, और इसका प्राइस कितना है, और वैसे ही इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है और क्वालिटी कैसी है, वो सब मैं आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ। तो जैसे कि मैं बता दूँ, इसके पहले मैं ये वाला यूज़ करता था, ये था नॉर्मल गोरिल्ला पॉड जो 350 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट पर मैंने लिया था। इसकी वीडियो भी मैं दिया हूँ आई बटन में, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अभी बहुत ज़्यादा ही ये एक लूज़ हो गया है, मीन्स इसकी जो एक्सपायरी है वो हो चुकी है। डेढ़ साल मैंने इसे यूज़ किया, वो काफ़ी अच्छा चला है, उसके बाद ही मैंने ये ब्रांडेड लिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई। और ये देखते कितने साल चलता है, और अच्छा क्वालिटी का है जॉबी, तो आप लोगों को पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कैमरा फील्ड में, उन लोगों को तो खासकर पता ही है जॉबी क्या है, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों को मैं बता दूँ कि ये चीज़ क्या है, तो वीडियो में देखो। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट दी अनबॉक्सिंग। तो कुछ इस तरह का फ्लिपकार्ट का हमें पार्सल मिला है, इसमें मेरा जॉबी का गोरिल्ला पॉड है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये गोरिल्ला पॉड 4500 रुपीज़ का है। अब ये इतना महंगा क्यों है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ। मैंने इसके पहले कुछ ऑलमोस्ट डेढ़ साल पहले एक वीडियो बनाया था मेरे गोरिल्ला पॉड के ऊपर, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे लिंक की तरह आई बटन में आप लोग जाके देख लेना। वो गोरिल्ला पॉड था कुछ 350 रुपये का, और ये गोरिल्ला पॉड 4500 रुपये का। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आप लोगों को बॉक्स खोलने के बाद बताता हूँ। लेकिन उसके पहले एक चीज़ सुन लो, ये जॉबी का गोरिल्ला पॉड, और जॉबी एक ऐसा ब्रांड है गोरिल्ला पॉड्स में जिनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेस्ट लगता है कि सालों साल वो चीज़ चलती है। और जैसा कि मैं बता दूं, जो मेरा 350 रुपीज़ का गोरिल्ला पॉड था, वो मैंने ऐसी टेम्पररी बेस पे लिया था ताकि मैं उस गोरिल्ला पॉड से यूज टू हो जाऊँ। ऑल दो दोनों चीज़ सेम है, लेकिन दोनों की क्वालिटी का डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने एक ही बार में जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पॉड ही ले लिया, ताकि मुझे फ्यूचर में ज़्यादा दिनों तक काम आ सके। और जो मेरा अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ गोरिल्ला पॉड, जो मेरे DSLR के नीचे लगा हुआ है वाला गोरिल्ला पॉड, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ करंटली, ठीक तरह से मूव भी नहीं होता है और बहुत ही लूज हो चुका है। और इसका जो बॉल हेड है, जो मैंने एक्सटर्नली मंगाया था, वो बॉल हेड भी ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ पैकेट के अंदर किस तरह से हमारा जो भी गोरिल्ला पॉड है। तो अनबॉक्सिंग देखो, तो ये रहा हमारा जॉबी का गोरिल्ला पॉड। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक आप लोगों को किट के साथ मिलता है और एक सिर्फ पॉड मिलता है जो गोरिल्ला पॉड नीचे का रहता है, जिसमें बॉल हेड आप लोगों को अवेलेबल नहीं रहेगा। तो मैंने किट के साथ मंगाया, इसके लिए थोड़ा ज्यादा महंगा है ये। किट के साथ लोगे तो बॉल हेड भी आप लोगों को मिलेगा, तो जिसमें आप लोगों की कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी और किसी भी एंगल में आप लोग इसे शूट कर सकते हैं सेट करके। मैं बता दूं, जो इसका जो मैक्स वेट है, जो इसके ऊपर आप लोग कैमरा रख सकते, 3 किलो का होना चाहिए, उसके ऊपर रहेगा तो उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी में थोड़ा फर्क आ सकता है, और 3 किलो तक का ये उठा सकता है। इसके लिए इसका नाम भी है 3K किट, किट यानी वही बॉल हेड के साथ में जो आता है 3K किट है। तो ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊँगा, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप लोग देख के समझ गए होंगे। ये इसके बैक साइड का है, तो ये हमारा गोरिल्ला पॉड है, ये पूरा ये बॉल हेड है और ये नीचे का हिस्सा है, तो ये दोनों मैंने साथ में लिया हूँ, तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो चलो फटाफट इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये एक बटर पेपर इसके ऊपर है, बटर पेपर मैं निकाल देता हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ मैं बाहर से मंगाने वाला था, लेकिन दुबई और कतर में भी इस सेम गोरिल्ला पॉड का जो कॉस्ट है वो इंडिया के कंपेयर में ज़्यादा हो चुका है, पता नहीं क्यों, वरना मैं मेरे अंकल से बाहर से ही मंगा लेता था, क्योंकि वहाँ पे जो है ड्यूटी फ्री है, टैक्सेस ज़्यादा लगता नहीं है, तो इसलिए। बट मुझे उससे भी कम फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल मिल गया, तो मैं क्यों अपना पैसा वेस्ट करूँ और टाइम भी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका बॉक्स है, बॉक्स देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कितना प्रीमियम है और ब्रांडेड है। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि 350 वाले में और 4500 वाले गोरिल्ला पॉड में क्या फ़र्क होता है। ये आप लोग जब हाथ में लोगे इसे, तो तभी आप लोगों को भी समझ में आएगा। जैसा कि इसके पैकेजिंग पे इसका प्राइस दिया गया है, आप लोगों को प्राइस दिख रहा होगा 7990 रुपीज़ का इसका प्राइस है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ABS प्लास्टिक मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, जो बहुत ही मजबूत रहता है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूँ, फ्लेक्सिबल रैपिंग लेग्स है, जो आप लोगों को पता है गोरिल्ला पॉड में होते ही है। आप लोग उसे किसी भी एंगल में किसी भी तरह घुमा फिरा के उसे सेट करके यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो रबर रिंग मिल जाता है इसके एजेस पे, वो आप लोगों का एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आप लोग का ट्राइपॉड जो है ज़्यादा शेकीनेस नहीं लाता जब आप लोग किधर पे इसे रख के शूट कर रहे होगे। तो बॉल हेड जो है इसका रिमूवेबल है, और इसी के साथ साथ क्विक बॉल हेड है। अगर आप लोग अपने DSLR के नीचे इसका बॉल हेड का जो स्ट्रिप है उसे ज्वाइन करके रखते हो, तो आप लोगों को फोटो खींचना है गोरिल्ला पॉड से निकाल के, तो वो एक बटन प्रेस करोगे तो वो फटाक से बाहर आ जाएगा, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलो बॉक्स से निकालते हैं हमारा जॉबी का गोरिल्ला पॉड, फटाफट इसे ओपन करते हैं। चलो फटाफट इसे ओपन कर लेते हम। तो ये ऊपर कुछ मैनुअल गार्ड दिया गया है, तो ये इसे मैं पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत ही इजी इंस्ट्रक्शन है इसके, मैं आप लोग को ऐसे ही बता दूंगा।
और इसी के साथ साथ इसकी एक ये सेफ्टी के लिए दिया गया था। बहुत लोगों का मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, वो लोग पूछते कि ये क्या है, तो ये हमारे जो भी गोरिल्ला पॉडकास्ट टेबल में बॉक्स के अंदर इसके लिए ये दिया गया। ऑल दो ये इसका आप लोगों को कोई काम नहीं है, इसे आप लोगों को साइड में रख देना और कुछ नहीं। तो कुछ ये सिंपल पैकेजिंग के साथ हमारा जॉबी का गोरिल्ला पॉड आता है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मीन्स जो इसकी जो क्वालिटी है और जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी आप लोगों को सीधी सीधी पता चल जाएगी कि ये क्यों इतना कॉस्टली है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका जो बॉल हेड है वो पूरा मेटल का रहता है, और उसी के साथ साथ बॉल हेड के जो नीचे का पोर्शन है पूरा ABS प्लास्टिक है, और इसके जो एजेस पे ये रबर है आप लोगों को दिख रहा होगा, जो रिंग है ये रबर रहता है, ये मैं निकाल देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये 3K गोरिल्ला पॉड है, और इससे ऊपर आप लोग लोगे तो 5K आता है, जो मुझे यूज़ नहीं लगा वरना मैं वही ले लेता। तो जितनी ज़रूरत है तो उतना ही काम करना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये बॉल हेड है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था इसमें क्विक रिलीज है, तो ये आप लोग इसे बटन है, ये आप लोग पुश करोगे ये बाहर आ गया। तो आप लोगों को ये स्क्रू में अपना DSLR लगाना है, या जो भी कैमरा आप लोग यूज़ कर रहे हो, जैसे मोबाइल हो, मोबाइल भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, बस मोबाइल का होल्डर आप लोगों को लेना पड़ेगा जो कि 60 या 70 रुपये का ही आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। उसी के साथ साथ इसमें आप लोगों को यहाँ पे बबल, वाटर बबल दिया गया ताकि आप लोग इससे समझ सको कि आप लोगों का जो कैमरा है वो स्टेबल है या नहीं, मीन्स ग्राउंड के स्टेबल है या नहीं। तो ये क्विक रिलीज है, क्विक अटैचमेंट है, तो ये हो गई इसकी एक खास बात। और उसी के साथ साथ इसका बॉल हेड है, यहाँ से आप लोग लूज करोगे तो ये भी घूमेगा, और ये ऊपर का पोर्शन भी आप लोगों का जो है घूमेगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये वो हो गया। तो ये आप लोग यहाँ से लॉक कर दो, जो एंगल में आप लोगों को कैमरा रखना है वो एंगल में लॉक कर सकते हो, तो ये आप लोग का लॉक हो जाएगा और ये हिलेगा ही नहीं। उसी के साथ साथ ये आप लोग इसे बैंड कर सकते हो, किसी भी तरह किसी भी एंगल में बैंड कर सकते हो आप लोग। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, टफ मीन्स आप इसको बैंड करना टफ नहीं, इसका जो प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी बहुत ही टफ है, जो आप लोगों के ऐसे बैंड करने पर जल्दी टूटेगा नहीं। तो यही था हमारा जॉबी का गोरिल्ला पॉड, ज़्यादा कुछ इसमें बताने हैं नहीं मुझे, यही था हमारे आज के इस वीडियो में। होप आप लोग को समझ गया होगा, जो भी यूट्यूबर्स इसे लेना चाहते हैं लो, बट पहले 300-350 वाला यूज़ करके देखो, जिससे आप लोग उसे यूज टू हो जाओ, उसके बाद ही लेना। तो आप लोगों को भी पता है मेरे चैनल को 2 साल हो चुका है, उसके बाद ही मैंने इसे लिया हो, क्योंकि मुझे अब ज़रूरत लगी है इसकी। यही था हमारे आज के वीडियो में, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो लोग भी आज के डेट में टिकटॉक बना रहे, सेल्फीज ले रहे, उन लोगों के लिए ये पॉड बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप लोग किसी भी अच्छे सीनेरियो पे जाके इसे कहीं पे भी, ट्री हो या फिर एक बैरियर हो, कहीं पे भी इसे फिट करके आप लोग इजीली शूट कर सकते हैं अपनी वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बाद में नोटिफिकेशन बेल रिंग दबाना, तो जिससे आपको मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ की अपडेट मिलती जाएगी। सो गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।